तो भैया मेरे पीछे जो आप देख रहे हो यही है अपना होटल, होटल संध्या। और फाइनली थोड़ा सा उजाला हुआ और नज़ारे आप देख सकते हो पीछे के। तो ये है कुछ मनाली के नज़ारे। अभी ठंडी काफ़ी है तो चाय की तलब हो रही है, चाय मिल जाए तो थोड़ी गर्मी आए। और यही रात के टाइम में ही गलन रहती है। नेट पे मैंने देखा था कि मिनिमम 6 डिग्री जाएगा, लेकिन अभी 2 डिग्री था, कुछ देर पहले चेक किया था। और फिर जैसे जैसे सूरज देवता आते जाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, अभी थोड़ी गलन ज़्यादा है। तो अभी चाय बस मिल जाए फिर मज़ा आएगा। तो फाइनली दोस्तों थोड़ी सी धूप पड़ चुकी है ऊपर पहाड़ पे, और अभी मौसम ठीक हो गया है तो दस्ताने वगैरह हटा दिए हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सोलो आए हुए हैं। तो भैया अभी सोलो आए हुए हैं बैंगलोर से। बैंगलोर, क्या बात है। तो भैया मफलर ले लिया है, ये जवानी है दीवानी वाला फील लाने के लिए मफलर बहुत ज़रूरी था। और अभी चाय की तलाश में अपन निकल चुके हैं। तो भैया बताएंगे कि चाय कहाँ मिलेगी। ये बंद होगा तो से आगे 4-5 शॉप और होगा आपका। अच्छा, यहाँ पे चाय क्या याक के जो है दूध के मिलती है, और गाय के दूध की, गाय के दूध गाय के दूध के मिलती है। बेर का दूध चलता है। हाँ, बेर का दूध, बैल का, अमूल अमूल। अच्छा, हम तो बैल का दूध यहाँ से जाना। हाँ क्यूटी पाई, कैसे हो भाई साहब, क्या हाल है, और क्या हाल है। तो प्यारे प्यारे यहाँ पे पहाड़ी कुत्ते आ चुके हैं, चौचक चौचक। अबे दोस्तों देख सकते हो, जो आपदा आई थी ना तो ये रास्ते टूटे थे, तो ये उसी के अवशेष हैं। तो वो आपदा का असर अभी भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये लगा हुआ है, मैं ज़बरदस्ती इधर आ गया। तो ये देखो भाई सामने नज़ारे कितने ज़्यादा शानदार हैं, और ये रोड और सीधे पहाड़, और ये देखो भाई, ओहो हो, अद्भुत नज़ारे भाई, क्या वाइब है, एक नंबर भाई साहब। ओहो हो, मेरे हाथ गल रहे हैं ना तो कांप रहा हूँ। तो भैया दिन की पहली चाय, अपनी मनाली ट्रिप की पहली चाय। कितने की है भैया चाय? 20 की। तो 20 की चाय अपने को मिलेगी, सही है। भाई साहब चाय पीने के बाद एनर्जी आ चुकी है एकदम चौचक वाली। और भाई साहब मेरे पीछे का आप नज़ारा देखो यार, क्या बात है यार, मतलब सीधा हाईवे वाला रास्ता और सामने बर्फ वाले पहाड़। और आज हम लोग जाने वाले हैं हिडिम्बा टेंपल, एक बहुत 500 साल पुराना टेंपल है। तो जो लोग भी मनाली आते हैं इस टेंपल ज़रूर जाते हैं। और आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल भी है, तो हो सकता है मनाली पे हम लोग किसी कैफ़े में बैठ के वो फाइनल्स भी देखते हैं। और अभी हम लोग होटल में चेक इन करेंगे 10-11 बजे, और हम 6 ही बजे पहुंच गए थे होटल पे, क्योंकि जब तक जो रूम्स हैं जब तक चेकआउट नहीं करेंगे दूसरे लोग तब तक हम लोग चेक इन नहीं कर पाएंगे ना, तो ये सीन है। तो हम लोग को लंबा टाइम है, तो वहाँ बैठे थे होटल में फालतू, तो सोचा निकलते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं पैदल ही। तो फाइनली अपन चेक इन कर रहे हैं, और अपने साथ है सुल्तान भैया। दोस्तों ये रहने वाला है अपना रूम मनाली में, तो यहाँ पे 2 दिन अपन स्टे करेंगे। और बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा है, धूप भी आ रही है, तो यहाँ बैठ के आराम से धूप सेकेंगे। तो इनके पैकेज में जो मैं आया हूँ, जो मेरा खर्चा पड़ा है वो पड़ा है 18,427 का, जिसमें मुझे डबल ऑक्यूपेंसी कमरे मिलेंगे, 2 दिन मनाली स्टे रहेगा, 1 दिन जो है कसौल स्टे रहेगा, GB स्टे रहेगा। तो डबल ऑक्यूपेंसी में मुझे रूम्स मिलेंगे, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन, ब्रेकफास्ट, डिनर, 8 मील्स टोटल रहेंगी। तो फर्स्ट डे जिस दिन हम लोगों ने दिल्ली से मनाली के लिए सफ़र शुरू किया था उस दिन का डिनर नहीं था, सेकेंड डे आज के दिन का ब्रेकफास्ट भी नहीं है, आज की रात डिनर से इनका जो है स्टार्ट होगा पैकेज वाला सीन। अभी ट्रांसपोर्टेशन का और स्टे का है, और रात में इनका डिनर वाला सीन स्टार्ट होगा, फिर आज डिनर, फिर कल ब्रेकफास्ट डिनर, फिर उसके अगले दिन ब्रेकफास्ट डिनर, ऐसे करके है। और लास्ट डे 24 को ये लोग दिल्ली ड्रॉप करेंगे, तो उस दिन भी ब्रेकफास्ट करा के इनका मील वाला जो सीन है वो समाप्त होगा। तो 8 मील मिलेगी इसमें, और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में अगर आपको लेना है तो उसका प्राइस पड़ेगा अराउंड 16,500, और इसमें मुझे पड़ रहा है 18,500। मैं खा रहा हूँ भैया पनीर पराठा, और भैया खा रहे हैं आलू पराठा। आलू पराठे का प्राइस है 40 रुपीज़, और इसका 60 रुपीज़। कल के बाद काम करते हुए, ठीक है, अलग अलग जगह गए, अलग अलग जगह की अलग अलग स्टोरीज हैं, जब
अच्छे से बैठेंगे तो अच्छे से कहानियां भी करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याक है और अभी हम लोग आ चुके हैं हिडिंबा देवी टेम्पल। तो देखो याक के ऊपर जैसे अपने साइड ऊँट के ऊपर बैठने का रहता है, इधर याक के ऊपर आप बैठ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़्यादातर फैमिली वाले आते हैं और फ्रेंड्स फैमिली सब आते हैं, मतलब प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस है। अभी तक मैं जितने भी प्लेसेस पे गया था तो वहाँ थोड़ा सा एक्सट्रीम सिचुएशंस होती थी तो उतनी भीड़ नहीं रहती थी एक्सेप्ट केदारनाथ, लेकिन ये प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पे इतना कोई ट्रैकिंग वाला सीन नहीं है। और अभी हम लोग आ चुके हैं हिडिंबा देवी टेम्पल, जो कि 500 साल पुराना एंशेंट टेम्पल है। और हिडिंबा माना जाता है भीम जी की वाइफ को, भीम जी की वाइफ को हिडिंबा बोलते हैं। और इनके टेम्पल की खास बात यह है कि यहाँ पर पहले मेला होता था जिसमें 20 तरह के क्रिएचर्स की बलि दी जाती थी, और फिर बाद में जब इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा विरोध हुआ तो फिर इंसानों की बलि दी जाने लगी। उसके बाद अभी धीरे धीरे करते करते ये सारी चीज़ें बंद हो गई। और यहाँ पर घटोत्कच का भी टेम्पल है। तो फाइनली दोस्तों आज हम आ चुके हैं अपने पहले स्पॉट पे, जो कि है हिडिंबा देवी टेम्पल। और ये जहाँ पर हम लोग रुके थे वहाँ से सिर्फ 5-6 किलोमीटर की ही दूरी पर है और प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दर्शन करते हैं, लाइन लगी हुई है पीछे। और ये कुछ वाइब है इस टाइम पे हिडिंबा देवी टेम्पल के आसपास का। ये पूरा प्रॉपर देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है, देख सकते हो आप, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ हैं चारों तरफ। ये देखो भाई साहब, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो अच्छी खासी लाइन लगी हुई है। और सामने देखो सींग, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे क्रिएचर्स की बलि दी जाती थी, तो शायद ये उन्हीं का सींग है जो यहाँ पे लगाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना बड़ा खरगोश है। कितना? 50? हाँ, फोटो 4 लो 10 लो, कोई बात नहीं, ले लो। क्या बात है, अभी आ रहा है, हमारा ग्रुप आ रहा है, सब साथ में ही लेंगे, सब दर्शन कर रहे हैं तो सब साथ में आएंगे तब लेंगे। तो यहाँ पे इतना बड़ा जो खरगोश है उसको गोदी में लेके फोटो खिंचाने का 50 रुपए, चाहे 10 फोटो लो चाहे 20 फोटो लो, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, काफी बड़ा खरगोश है, प्यारा सा है। यहाँ पे देखो महिलाएं जो है बुन रही है, सारा टोपी वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा भाई। ये है हिडिंबा देवी टेम्पल और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो रोहित शर्मा हैं, और आज रोहित शर्मा पे पूरा दारोमदार है आज के मैच का, आधा ध्यान तो अपना उधर ही है। और ये देखो यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है इस मंदिर के बारे में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बस एक ही ट्यून है इनका, बस अंतरे का 2-4 लाइन बजा रहे हैं लगातार, लेकिन बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सामने ऐसा लग रहा है कि हाथी है, पेड़ से हाथी निकला है, वो देखो भाई गणेश भगवान। ये आँख है, ये प्रॉपर सूंड है, क्या बात है। दोस्तों अभी तो हम हिडिंबा देवी टेम्पल पे हैं और यहीं पास में ओल्ड मनाली भी है, और नीचे मॉल रोड जहाँ पे है उसे न्यू मनाली कहते हैं। और उससे भी एक न्यू मनाली था वो, जो जुलाई में बाढ़ आई थी, बादल फटा था व्यास नदी में, उसके चलते पूरा बह गया था भाई, पूरा शिमला में इम्पैक्ट आया था, मनाली में इम्पैक्ट आया था। और वो जो रास्ते थे वो डबल लेन हुआ करते थे न्यू मनाली वाले, वो पूरे आधे के आधे लेन बह गए। बस अड्डा जहाँ पे हम लोग रुके थे, हम लोग आए थे बस से ना, तो जहाँ पे हमारी बस खड़ी हुई थी वो दुगना बस स्टैंड हुआ करता था, आधा बस स्टैंड उसमें बह गया। तो भाई बहुत त्रासदी आई थी कुछ महीनों पहले ही। और चूँकि आज इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का फाइनल है ना, तो सभी मैच भी देख रहे हैं, साथ ही साथ घूम भी रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग ली है, तो इंडिया को अच्छा खासा टारगेट देना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी मैं जो है यहाँ पर ड्रोन उड़ा रहा था, लेकिन ड्रोन बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो तुरंत नीचे उतार लिया क्योंकि भैया ने बताया कि यहाँ पे चालान उलान हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी हम ओल्ड मनाली की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे देखो भाई काफ़ी मस्त मस्त आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, पूरा प्रॉपर मार्केट है,
अगर आप लोग यहाँ पर आते हो हिडिंबा देवी टेम्पल के पास में, तो यहाँ पे प्यारे प्यारे इतने बड़े बड़े खरगोश मिलेंगे जिनके साथ आप वीडियो बना सकते हो, फोटो खिंचा सकते हो। 30 रुपए कॉस्ट है, कहीं कोई 50 ले रहा है, कोई 30 ले रहा है, तो हाँ जरूर फोटो खिंचाइए और अपनी मेमोरीज बनाइए। तो ये जो खरगोश है वो अंगूरा प्रजाति का है और काफी बड़े और क्यूट से हैं, तो इनके साथ जरूर फोटोज खिंचवाइए, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी फाइनेंशियली हेल्प होगी, क्योंकि टूरिस्ट पे ही वो डिपेंडेंट है। और अभी ओल्ड मनाली की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो वहाँ काफी नई नई चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं। भाई यहाँ पर कुछ कैफेज आपको जरूर एक्सप्लोर करने चाहिए, तो 3-4 कैफेज जो हमारे कोऑर्डिनेटर उन्होंने लिख के भेज दिए हैं, और ओल्ड मनाली जाते वक्त रास्ते में ही पड़ने वाला है, तो सारे कैफेज एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं कि ऐसे कैफेज में ऐसा क्या खास है। यहाँ से स्टार्टिंग होती है ओल्ड मनाली की, हिडिंबा टेम्पल से हम लोग लगभग 1 किलोमीटर आगे चल चुके हैं, तो यहाँ पर बाइक से लेके कार बुलेट सब अवेलेबल है रेंट के लिए, तो हाँ आप आके ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको बुलेट रेंट पे लेना है तो 1300 रुपये है, और 1000 रुपये सिक्योरिटी मनी लेंगे और लाइसेंस लेंगे आपका, और स्कूटी वगैरह 600 रुपये में मिल जाएगी रेंट पे, तो ठीक है वही ऋषिकेश वाला प्राइस है तो सही है। ये देखो ओल्ड मनाली कितना ज़्यादा खूबसूरत है, क्या बात है। आ चुके अपने पहले कैफे पे, जो कि लेजी डॉग, और हम लोग भी लेजी बन चुके हैं, थक गए भाई। तो ये भैया आपका लेजी डॉग, ये बार भी है, रेस्ट्रो भी है, और बाहर भाई बैठने का जो बनाया हुआ है बहुत ही प्यारा है, बगल में नदी बह रही है और ये व्यू शानदार। तो ये है आर्ट कैफे। लेजी डॉग बहुत महंगा था क्या? ओवर एक्सपेंसिव था, मतलब हम लोग के लिए तो ओवर एक्सपेंसिव था भाई, इतना खर्चा नहीं कर सकते, 1000-1500 थोड़ा सा कुछ होगा, 1500 खर्च होना है। अभी आ चुके हैं आर्ट कैफे। वैसे अब इंडिया के 3 विकेट गिर चुके हैं, दिमाग ख़राब हो चुका है, और अभी एक लास्ट कैफ़े पे जा रहे हैं, रॉकीज़ कैफ़े। आर्ट वाले में गए थे, वहाँ कुछ था ही नहीं, तो रॉकीज़ कैफ़े जाएंगे, फिर वापस एक लोहे का पुल है वहाँ से अपने को ऑटो मिलेगी, फिर वहाँ से मॉल रोड जाएंगे। यहाँ पे आप मनु टेम्पल भी घूम सकते हो, काफ़ी फेमस है ये। हमारा ऊपर आना वर्थ इट रहा, और ऊपर हम लोग आ चुके हैं, यहाँ से आप मनाली देख सकते हो पूरा, और उधर बर्फ़ वाले पहाड़, और अपनी आखिरी डेस्टिनेशन रॉकीज़ कैफ़े जो कि पास में ही है। ओहो ये रॉकीज़ कैफ़े, और नीचे तो एकदम नॉर्मली लग रहा है, ऊपर चलना पड़ेगा। तो भैया ये है रॉकीज़ कैफ़े, सब लोग आए तो हुए हैं, खतरनाक। लेजी डॉग, रॉकी से डॉगीज हैं, बहुत महंगा। तो भाई फाइनली काफी देर के बाद अपन चाय पी रहे हैं और वेज बिरयानी ऑर्डर की है। भाई हाईली रिकमेंडेड, अगर आप इधर आते हो मनाली में तो रॉकीज कैफे जरूर आना, और यहाँ पर भैया ने ऑर्डर किया है सिदो, मनाली का बहुत लोकल फूड है और काफी यम्मी है, भैया बता रहे हैं। यहाँ पे शॉल की स्टार्टिंग प्राइस 100 रुपीज, और भैया ले रहे हैं। कश्मीरियों की दुकानें होती है ना, वो भी पश्मीना देते हैं, लेकिन वो कॉस्टली देते हैं, हमारे पास भी पश्मीना मिलेगा लेकिन रीजनेबल रेट मिलेगा। स्टार्टिंग प्राइस 100 रुपीज है पश्मीना, पश्मीना क्या स्टार्टिंग है? 1200 से स्टार्टिंग है भैया। इनके खिलाफ स्मिथ और वार्नर बहुत चलते हैं, क्या बताएं, इंडिया का 8 विकेट गिर गया, 216-17 रन ही हुआ है, 250 भी पहुंचा देता सूर्य कुमार। नहीं वो जो श्रेयस अय्यर है और शुभम गिल है, ये बड़े मैच में नहीं चलेंगे तो 4 डाल रहे इनका, हां दिमाग खराब हो गया, 4-4 रन बना। मनाली के अच्छे नजारे हो लेकिन क्रिकेट में बेकार हो रहा है मैटर। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड, देखते हैं वहां पे क्या माहौल है। तो अभी दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मॉल रोड, और काफ़ी मस्त यहाँ पे रोड बहुत मस्त बनी हुई है, और कुछ ऐसा ये दिखेगा आपको मॉल रोड अगर आप मनाली आएंगे तो। मॉल रोड ज़रूर आइएगा, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कैफेज, शॉप्स, मार्केट सब कुछ देखने को मिल जाएगी। तो हाँ इसी रास्ते से हम लोग आए थे जब होटल हमारा जो था ना, तो होटल से हिडिंबा देवी टेम्पल जाने के रास्ते में ये पड़ा था, तो यही मॉल रोड है।
मनाली मॉल रोड पे आते हैं तो कावा ट्री ट्राई करना चाहिए ना। बिल्कुल, कावा ट्री बहुत जबरदस्त बनाते हैं हम, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बहुत जबरदस्त। और इसमें सब मसाले होते हैं जैसे सैफ्रॉन, आलमंड और आपका इलायची, अदरक और लौंग, बादाम भी होता है, बादाम हम ऊपर से डालते हैं और फिर इसको उबालते हैं हम। बेसिकली यहाँ पे जब ज्यादा ठंडी पड़ती है तो लोग कावा पीते हैं। कावा पीते हैं और 50 रुपए का कावा इन्होंने पिलाया। ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिर गया। वो शामी भाई क्या बात है, पहला विकेट गिर गया। तो दोस्तों डिनर कर लिया और डिनर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन अभी मूड हो चुका है अपसेट बिकॉज इंडिया मैच हार रही है, फाइनल्स हो गया तो अपन जा रहे हैं सोने। कल से नए दिन की नई शुरुआत करेंगे और आज से भूल जाएंगे कि मैच नाम की भी कोई चीज़ होती है, अब से फुटबॉल देखेंगे। ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होकर ग्राउंड फ्लोर वाला बटन दबा रहा हूँ, अभी कुछ काम नहीं कर रहा दिमाग।